वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो अंशिका आप बहुत ज्यादा परेशान हो, जरा सा प्लीज अभी चेक करना, मैंने अपना जो टेलीग्राम है जहाँ पे मैं सारे लिंक शेयर कर देती हूँ, वहां पर मैंने वो जो लिंक है ना वो शेयर कर दिया टेलीग्राम का। जो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैम टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए जो लिंक है वो मैंने शेयर कर दिया है। तो वेरी गुड मॉर्निंग जितने लोग यहाँ पे आ गए हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो, क्योंकि शेयर करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती, और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। ठीक है, तो ज़रा यहाँ पे सेशन को शेयर करते जाइएगा। ओके, आई होप कि जो मेरी आवाज़ है वो आपको ऑडिबल हो गई होगी। एम आई ऑडिबल, आवाज़ आ रही है सबको? ज़रा मुझे ये बता देना, क्योंकि ये पूछना ज़रूरी होता है। एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है ना सबको? ओके, लिंक मैंने फिर से शेयर कर दिया, मेरे खुद के नाम से ही आपको लिंक मिल रहा होगा, अंडर @GSByPrati के नाम से। प्लीज जितने लोग ऐसे हो जिनको नहीं पता है कि कहाँ पर है, तो प्लीज इसको आप जो यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। प्रमोद जी, ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप प्लीज सेशन को शेयर कर देना, क्योंकि ये जो पूरा अनाउंसमेंट है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आपको जैसे कि थंबनेल पे नजर आ ही रहा होगा, अब जाने राज्यों के बारे में। वैसे हम लोग सुबह 7 से 8 के बीच में हर दिन एक स्टेट पढ़ते हैं, आपको मालूम ही, और उस स्टेट से जुड़े हुए जितने भी हैं, करंट अफेयर्स नहीं होती। अभी क्या बात कर रहे हैं, अभी जस्ट मैंने क्लास खत्म किया है, सुबह 7 से 8 हर दिन क्लास होती है, संडे को हम लोग वीकली MCQ डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो लिंक है वो मैंने शेयर कर दिया है। प्लीज जितने लोग ऐसे हो जिनको नहीं पता है टेलीग्राम लिंक, तो प्लीज एक बार से चेक जरूर कर लेना, वो मेरे नाम से ही आपको मिलेगी। ठीक है, प्रति प्रति के नाम से है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं जरा यहाँ पे बात करना शुरू करूँ आप लोगों से। गुड मॉर्निंग हो गया ना, चलिए आप सुनिए। देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ बात करेंगे कुछ फ्री क्लासेस के बारे में। जैसे कि आप लोगों की काफ़ी टाइम से डिमांड चल रही थी कि मैम अन अकेडमी पे क्लास करना एक सपना जैसा होता है, कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या कुछ भी बोलते रहते हो। तो अब यहाँ पे जो अन अकेडमी पे फ्री क्लासेस ऑलरेडी हम ले रहे थे, जिसको मैंने स्पेशल क्लासेस का नाम दिया था, इसमें 3 क्लासेस ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो जितने लोगों ने ये क्लासेस एक बार सुन लो, मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ, तो उसके बारे में अभी हम लोग बात कर लेंगे कि सेशन में क्या है और क्या अनाउंसमेंट है, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो अब अगला वाला जो स्पेशल क्लास होना है वो 27th को होगा, यानी कि कल ये क्लास होगा, और इस क्लास का टाइम क्या है, सुबह 10 से 11 बजे। ठीक है, इस वाले क्लास में क्या होने वाला है कि SSC में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं GS के पार्ट पे, उसको हम लोग यहाँ पे एज अ मॉक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास का टाइम क्या है, सुबह 10 से 11 अन अकेडमी पे आना है, फ्री क्लासेस हैं, आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे यहाँ पे उस क्लास में जुड़ सकते हो। ऑल गुड? हाँ राजेश जी, ऐसा कुछ है, कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं मैम दिस वॉज माई ड्रीम। हाँ मैं बता रही हूँ, बाकी चीज़ों के लिए भी हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो पहले तो ये जान लो कि स्पेशल क्लास, अब देखो इसके बाद कौन सा स्पेशल क्लास होने वाला है। ये तो मैंने आपको बताया पॉलिटी के बारे में, अब आप सोचेंगे कि मैम ज्योग्राफी भी थोड़ा सा पढ़ाई है, मैम हिस्ट्री भी थोड़ा सा पढ़ाई है, ऐसे बोलोगे ना, तो इसके भी आपको फ्री क्लासेस मिलने वाले हैं। लेकिन उन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए SSC का बैच। देखो SSC का बैच मैं बार बार आपको क्यों इतना ज़्यादा यहाँ पे बोल रही हूँ कि इस बैच को अवेल करो, इस बैच को अवेल करो, मुझे कोई मज़ा थोड़ी ना आ रहा है ये चीज़ें बोलने में। देखो इसका पता है बेसिक लॉजिक क्या है, इस बैच में मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी। अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम ज्योग्राफी के लिए कौन सी किताब पढ़ें, तो उसके लिए आपको NCERT पढ़नी है, और इसके अलावा ज्योग्राफी थ्रू मैप्स नाम की जो बुक होती है आपको वो किताब पढ़नी है। अगर वो बुक्स आपके पास नहीं है, तो ये जो ज्योग्राफी के लिए बैच आने जा रहा है SSC के अंदर ही, इसमें यही दोनों बुक्स हम कवर करने वाले हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई भी किताब नहीं है और आप यहाँ पे इन बैचेस को अटेंड करते हो, तो इसमें आपको PDF भी मिलेगी, आपकी जो भी क्वेरी होगी वो भी यहाँ पे सॉल्व होती जाएगी। ठीक है अंकित, ठीक, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। SSC का ये जो बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें अभी फिलहाल हम क्या पढ़ा रहे हैं, अभी इसमें हम पॉलिटी कवर करा रहे हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आप तो MCQ पढ़ाओगे, और हाँ यहाँ तक पहुँचना कैसे वो अभी हम आपको बता देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि यार कैसे क्लास मिलेगा। तो अभी जो SSC का बैच है जिसमें हमने पॉलिटी स्टार्ट करी, इसमें MCQ नहीं खेलेंगे हम। इसमें क्या है, इसमें आपको बेसिक से सारे चैप्टर्स मिल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बाद प्रीएम्बल पढ़ा दिया है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा दिया है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सारे क्लासेस के बारे, मतलब सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, हाँ जी जितने, अब मैं उसी के बारे में बता रही हूँ। तो SSC का ये जो बैच है जिसमें हम GS पढ़ाने वाले हैं, अब आप बोलोगे मैम फिर मैथ्स का क्या,
रीजनिंग का क्या और इंग्लिश का क्या, ये तो आप पूछोगे ना मुझसे, हर कोई पूछता है। तो भाई देखो, जब आप मेरे इस एसएससी के बैच को अवेल करोगे ना, तो इसमें जितने भी अनअकैडमी पे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, फिर चाहे वो आपको मैथ्स पढ़ाते हो, चाहे रीजनिंग पढ़ाते हो, चाहे इंग्लिश पढ़ाते हो, अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं, आप किसी के भी क्लासेस यहाँ पे अवेल कर पाओगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आप मेरे बैच को अगर अवेल करते हो जीएस के लिए, तो आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जितने भी अनअकैडमी पे एजुकेटर्स हैं, सबका क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस ये ध्यान रखना है कि आपको कोड क्या यूज करना होगा, कोड विल बी Kruti10। ये तो हो गया पहले क्लास के बारे में। ठीक है, यहाँ तक तो कोई किसी को समस्या? आनंद पूछिए क्या सवाल है। एनसीईआरटी की जब हम बात करें, क्लास 11th और 12th रेलवे के बैच के बारे में भी बता रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इस बैच के बारे में? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब जब एसएससी का ये बैच आप अवेल करोगे, तो इसमें पहले तो हम पॉलिटी ख़त्म करेंगे, लेकिन पॉलिटी ख़त्म करने के बाद इसमें हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले, जिसमें पहले हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और उसके बाद इसमें मैपिंग का सेक्शन भी रहने वाला है। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको जाना है अनअकैडमी पे, और ये जो बैच है आपको इस बैच को अवेल करना है। जब आप ये बैच अवेल करोगे, तो आपको एसएससी के अंदर जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, सबकी क्लास मिलेगी, क्योंकि हमने पढ़ाना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और मैथ्स की, रीजनिंग की और इंग्लिश के जो बैचेस हैं, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा कोई पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, अब बताओ और कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? राकेश जी, कल अनअकैडमी पे पॉलिटी की स्पेशल क्लास हुई थी, लेकिन जो ये एसएससी के बैच वाली क्लासेस हैं, ये क्लासेस आपको मंडे टू फ्राइडे मिलती है। और अगर आपका कोई भी क्लास मिस हो जाता है, तो आप लाइब्रेरी में जाके उस क्लास को आराम से देख सकते हो। ठीक है, सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है। और इसकी जो पीडीएफ होती है, क्लास एंड होते ही आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाती है। तो आई होप कि ये वाला जो बैच है, ये आपको, हाँ शंकर जी बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी उनकी क्लास आपको। अब देखो, ये जो एसएससी का बैच है ना, इसमें आप बोलोगे कि मैम ये मुझे बता दीजिए यहाँ पर कि ये क्या सिर्फ एसएससी के लिए है, क्या हम स्टेट के लिए नहीं पढ़ सकते? भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो इसमें मैंने क्या बोला, हम टॉपिक वाइज चलेंगे ना। अब जीएस तो बदल नहीं जाएगी, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, यूपीएससी के अंदर चाहे सीडीएस और एनडीए हो, या फिर आपका रेलवे का एग्जाम हो। तो अगर आप रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी के फील्ड में अगर आप एनडीए और सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डीआरडीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और इसके साथ में अगर स्टेट लेवल एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, और आपको जीएस पढ़नी है, तो ये बैच आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इस बैच के बारे में। ठीक है, दिस इज नॉट फोर्स, दिस इज नॉट फोर्स, हमेशा याद रखना, यू हैव द फंडामेंटल राइट्स। उतनी देर से पॉलिटी पॉलिटी कर रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट का यूज करो ना फिर। ओके, हाँ फी के बारे में भी बता देते हैं। एक्चुअल में इसकी जो फी है, दैट इज 6,000 रुपीज। ठीक है, लेकिन जब आप मेरा कोड इसमें यूज करोगे, दैट इज Kruti10, जब आप ये कोड यूज करोगे, तो इस पे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। दैट मीन्स ये कितना हो गया, 5,400। अब आप कहोगे मैम इतना अमाउंट, इतना तो हमारे पूरे महीने भर की इनकम भी नहीं होती मैम, इतनी तो हमारी पॉकेट मनी भी नहीं होती। जरा सुन तो लो, ये महीने भर की नहीं है, ये जो आपको अमाउंट पे करना है, ये है पूरे एक साल का। मतलब एक साल के लिए एसएससी के अंदर अनअकैडमी पे जितने भी क्लासेस होंगे, चाहे वो जीएस के हों, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे इंग्लिश के हों, चाहे वो रीजनिंग के हों, आपको सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको बार बार कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो अमाउंट है ना, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे, क्योंकि बाद में ये आपको प्रॉफिट देने वाला है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? करंट अफेयर्स ऑलरेडी हो चुका है, इट्स सचिन, करंट अफेयर्स ऑलरेडी खत्म हो चुका है। कहाँ थे अभी तक, कहाँ रहते हो यार तुम लोग, का कुछ आता ही पता नहीं रहता है। तो ये जो एसएससी का बैच है, मैंने आपको बता दिया, अब रेलवे के लिए हो, चाहे फिर आपका एनडीए, सीडीएस या स्टेट लेवल एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जीएस के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कैसे पूरा प्रोसेस होगा, उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। अनअकैडमी पे जो क्लासेस होते हैं, वो मंडे टू फ्राइडे चलता है, सैटरडे संडे को स्पेशल क्लासेस होते हैं, जो कि फ्री होते हैं, सबके लिए होते हैं, कोई भी स्टूडेंट उसको अटेंड कर सकता है। ऑल गुड। अरे बहुत पुरानी खबर हो गई कि मुकेश अंबानी जो है वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए। कहाँ थे परसों, परसों ही पढ़ा चुके हैं हम ये तो। अगला देखो, जो एक और बैच है, अब बैंकिंग वाले बोलेंगे मेरा क्लास नहीं मिलता अनअकैडमी पे। तो देखो मैं एक यहाँ पे लिंक शेयर कर रही हूँ, टेलीग्राम का ये लिंक है, इसको एक बार से कनेक्ट हो जाना, ताकि आपको हर एक क्लास का जो लिंक है वो वहां पर मिलता रहेगा।
मेरे ही नाम से है, मैं इसको शेयर कर दिया मैंने, कृति के नाम से आपको ये लिंक मिल रहा है, @GSYKriti, ये लिंक है ठीक है, किसका, टेलीग्राम का। चलो सीबीएसई के क्लासेस के बारे में भी बता रहे हैं। अरे एक एक क्लास के बारे में बताना शुरू करने दो ना। नहीं आपने मुझे लगता है रेलवे वाला ढूंढा है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, लिंक मैंने शेयर कर दिया है ओके। अब देखो, अब दूसरी बात यहाँ पे क्या आती है, दूसरा आता है बैंकिंग वालों के लिए। अब बैंकिंग वाले क्या करेंगे भाई, बैंकिंग वाले भी तो चाहते हैं कि मैम आपने अभी एक बैच खत्म किया है बैंकिंग में, अब मुझे दूसरा बैच भी पढ़ना है। तो दूसरे बैच के लिए बैंकिंग में एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है जीए के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए। लेकिन पहले ये सुन लो कि इस बैच में हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। जितने भी स्टेट हैं इंडिया के अंदर, जितने भी क्या मतलब 28 जो स्टेट है, इसके पूरे डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और इसके साथ में स्टेट का जो भी करंट अफेयर्स है वो कवर करेंगे ठीक है। इसी बैच के अंदर हम लोग जितने भी फाइनेंशियल टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो भी न्यूज़ में रहता है लाइक NPA हो गया आपका, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और तीसरा यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं इस बैच के अंदर। ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है 1 मई से। अब आप फिर से बोलोगे मैम GA पढ़ने के लिए थोड़ी ना हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, सिर्फ अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना ही है तो हमें तो सारे सब्जेक्ट चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। जब आप इस बैच को अवेल करोगे जिसमें हम ये तीनों चीज़ें पढ़ाएंगे ये कोड यूज़ करते हुए, इसमें आपको मैथ्स भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी और रीजनिंग भी मिलेगी। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जब आप इस बैच को अवेल करोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ GA नहीं, बैंकिंग के अंदर मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये सारा भी जो कॉम्बिनेशन है वो भी आपको एक साथ मिलने वाला है ऑन अनअकैडमी। रेलवे में क्लास कब होगी, तो भाई रेलवे में तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही तो बैच खत्म किया है, कहाँ थे अभी तक। हाँ चलो अच्छा, रेलवे के लिए भी बात कर लेते हैं। रेलवे के लिए भी अगर आपको GS पढ़नी है तो भी आप SSC के बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बारे में जस्ट मैंने अभी आपको बताया है। प्रियंका NCERT के बारे में बताते हैं। इसके लिए तपस वीकली MCQ खत्म हो चुका, करंट अफेयर्स के क्लास का टाइम क्या है 7 से 8 और अभी टाइम क्या हो रहा है 8:12, कहाँ थे सुबह, क्लास खत्म हो चुकी होती है तुम लोग को पता ही नहीं होता है, पता नहीं कहाँ रहते हो। हाँ मैंने क्या बोला, GS में सारे सब्जेक्ट, सारे का मतलब हो गया ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और साइंस, सारे सब्जेक्ट GS में ही तो आती है, साइंस की GS के बाहर आती है, हद दो, मतलब तुम लोग तो ऐसे ऐसे सवाल कभी कभी करते हो। चलो ये दोनों बैचेस समझ में आ गए, तो ये आपको याद रखना है SSC के लिए जो बैच है उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे और साथ में जितने भी मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के वो भी आपको मिलेंगे। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि मैम चलो ठीक है आपने ये तो हमको बता दिया है ना, अब देखो CBSE वाले में एक प्रॉब्लम आ रही थी, तो पहले तो बैंकिंग में GA का बैच स्टार्ट हो रहा है और SSC का जो बैच चल रहा है उसमें पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, फिर ज्योग्राफी आएगा। अब पॉलिटी ज्योग्राफी के लिए जो स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं उसका लिंक मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है। अब आप बोलोगे मैम टेलीग्राम का लिंक तो बता दीजिए, नाम तो बता दीजिए, तो वो है करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से, 1000 बार ये बता चुके हैं और इसमें कितने सब्सक्राइबर्स हैं, तो 21,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, उसके ऊपर पिकाचू की इमेज लगी हुई है, प्लीज़ देख के ध्यान से वहाँ पे कनेक्ट होइएगा। रेलवे का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है ओके, तो एक काम करते हैं ना कि रेलवे में मान के चलो जैसे ये पॉलिटी वाला क्लास SSC में ख़त्म होगा ना, उसके जस्ट बाद हम रेलवे में GS स्टार्ट कर देंगे ठीक है। आप खुश ठीक है। अब देखो CBSE वाले जो बैच के बारे में बात कर रहे थे, भाई ये जो सेशन है यहाँ पे आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके साथ जुड़े, जो यहाँ पे बैच क्लास था सुबह वीकली MCQ वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है सुबह 7 से 8 में, टाइम तो देख लो 8:15 हो गया है, कहाँ रहते हो भाई। अब देखो CBSE में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो CBSE के जो यहाँ पे बुक्स वगैरह हैं उनके लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्लासेस चल रहे हैं जब आप CBSE सर्च करोगे ना तो ऐसा पेज खुलकर आएगा। आप बोलोगे मैम आपने बोला था कि 1 महीने का जो है वो तो 99 का है, तो यहाँ पे इतना अमाउंट कैसे, तो जब ये आपको अमाउंट दिखेगा 1 मंथ का सेलेक्ट करना, कंटिन्यू पे जाएगा, कंटिन्यू पे जाने के बाद आप कोड अप्लाई करिएगा Kriti10 और ये जो अमाउंट है ये आपका कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट आया कि भाई हमें कैसे यहाँ पर पढ़ना है, कैसे अवेल करें, बस यही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे काम आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स का डेटा कलेक्ट करना है, डेटा इन द सेंस कंटेंट बनाना है, मतलब पढ़ना है इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सिंह जी की जो किताब है वो पढ़ सकते हो, लेकिन वो कम से कम इतनी मोटी किताब है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ इन सारी बुक्स का जो कंपाइलेशन है, जैसे जब हम पॉलिटी बोलते हैं तो लक्ष्मीकांत की किताब सबसे पहले हमारे ध्यान में आती है, ज्योग्राफी बोलते हैं तो NCERT और ज्योग्राफी थ्रू मैप्स आती है,
इकोनॉमिक्स बोलते हैं तो रमेश सिंह जी की किताब आती है, हिस्ट्री बोलते हैं तो स्पेक्ट्रम की किताब आती है। इन सब का जो कंपाइलेशन है यहाँ पे, जो शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे वो आपको मिलेगा एसएससी के बैच में। स्टेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो एसएससी का जो बैच है वो सबसे परफेक्ट है। अब देखो ये आपको मिलेगा कैसे, देखो सर दोनों लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा, बायलिंगुअल का जमाना है तो दोनों भाषाओं में होगा। अब आपको करना क्या है, अनअकैडमी का जो ऐप है ये डाउनलोड करना है। आपको डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन करोगे, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी अपने आप यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, ठीक है। ओटीपी रिसीव होने के बाद आपको बोलेगा यहाँ पर, जब पेज आप जैसे ही ओपन होगा ना तो यहाँ पर आपको ये थ्री लाइन्स नजर आएंगी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको काफी सारे ऑप्शंस नजर आएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीबीएसई में आपको जो भी बुक्स पढ़नी है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर सपोज करो आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे यूपीएससी का बैच अवेल कर सकते हो। अपना गोल ये सेलेक्ट कर लेना, ये कोड यूज कर लेना, इस पर आपको क्या हो जाएगा 10% ऑफ मिल जाएगा। अब एसएससी के लिए प्रिपेयर करना है ये गोल ले लो, बैंकिंग के लिए करना है तो यहाँ पे आ जाओ। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। इनमें से आप किसी भी बैच को अगर अवेल करते हो और 10% का डिस्काउंट चाहिए तो भाई आपको यही कोड यूज़ करना पड़ेगा, कृति 10। अभी मेरे वाले बैचेस कौन से हैं, एसएससी स्टार्ट हो रहा है और बैंकिंग स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा जून के टाइम में हम यूपीएससी के अंदर भी बैच लेके आने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप इसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके लिए भी आप मेरे साथ इस बैच में जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पूरा हम जीएस आपको कंप्लीट करा देंगे। ऑल गुड, चलो ये दो बात हो गई इसके बारे में। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है और आगे आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है, बस कोड याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सीबीएसई के क्लास के बारे में बता दिया। अब इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर मेल करके पूछ सकते हो, kriti.singh@wifistudy.com पे। और जितने लोग अभी जिनकी नींद खुली है कि मैम क्या आज क्लास नहीं होगा, उनको ये बता दें कि क्लास का जो समय है वो सुबह 7 से 8 होता है, और सुबह 7 से 8 की क्लास में एमसीक्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जरा जाके टेलीग्राम पे एक बार क्लास देख लो। टेलीग्राम के लिए आप जैसे ही सर्च करोगे करंट अफेयर्स बाय कृति, आपको ये दो याद रखने हैं। पहला तो ये वाला है करंट अफेयर्स बाय कृति, जहाँ पे 21,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, वहां पे जुड़ सकते हैं। और जो चैट वाला है वो इस नाम से है, करंट अफेयर्स बाय कृति, और इस पे जो इमेज लगी हुई है दैट इज लेट्स क्रैक इट, ठीक है। तो लेट्स क्रैक इट के लिए यहाँ पे इतने सारे बैचेस आपके लिए अनअकैडमी पे आ रहे हैं। जो फ्री क्लासेस हैं उनको ज्वाइन करना मत भूला करो, आपको एक आइडिया हो जाएगा जब आप वो क्लासेस ज्वाइन करोगे कि मैम पढ़ा क्या रही हैं और कैसे पढ़ा रही हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम भी चाहते हैं कि जो क्लासेस हैं वो सारे यूट्यूब पे हैं, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होती है, हम टाइम बाउंड हो जाते हैं, हमारे पास समय उतना नहीं होता कि हम एक एक चीज़ को वहाँ पर डिस्क्राइब कर पाएँ। आपको पता ही है कि चैनल पर बहुत सारे क्लासेस होते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी पर आपको डिटेल में सारे क्लासेस मिलेंगे। एमसीक्यू भी होता है, 2 या 3 दिन पर एक एमसीक्यू होता है जिसमें डाउट सेशन भी होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। पीडीएफ भी तुरंत मिल जाती है, और जितने एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे आपको सबके क्लास मिलेंगे। अनअकैडमी के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि कौन कौन एजुकेटर्स हैं, मतलब अब मुझे उसके बारे में डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, और मेरे इंस्टा के साथ भी आप जुड़ सकते हैं @kriti_singh के नाम से। एंड इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप मेल करके पूछ सकते हो। बाकी क्लास का जो टाइम है, क्लास का टाइम हर दिन होता है सुबह 7 से 8, और इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होगा। कभी ये मत सोचना कि मैम ये जो क्लासेस हैं इसको भी अनअकैडमी पे लेकर आएंगी, नहीं, ये कभी नहीं होने वाला। ये क्लास हमेशा एज इट इज़ आपको यहीं पर मिलेगा, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आपको जितनी नॉलेज हम शेयर कर सकते हैं उतनी नॉलेज शेयर करें, ठीक है। तो ये तो हो गई इसके बारे में बात, तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऑल गुड। हिस्ट्री के लिए जो मैंने बुक बताई है वो है स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसी नाम से मिल जाएगा। जैसे बोलोगे ना स्पेक्ट्रम, आपको इसी नाम से मिल जाएगा। इसके अलावा लाइव टेस्ट वाला चैनल और डिफेंस एग्जाम वाला चैनल, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो स्टेट लेवल से लेके एसएससी हो, रेलवे से लेके आपका स्टेट लेवल हो, इन सब के लिए एसएससी का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर बैंकिंग के लिए या फिर रेलवे के लिए भी अगर आप जीए पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे में भी तो गवर्नमेंट स्कीम्स आती है ना, तो उसके लिए भी आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ जीए नहीं मिलेगी बल्कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश भी फ्री में मिलेगी। इसके अलावा जितने भी बैचेस हैं, लाइक यूपीएससी हो गया या आपका कैट का हो गया, क्लैट का हो गया, आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही आप ये कोड यूज़ करोगे कृति 10, उस पर आपको 10% का ऑफ मिलेगा। आई होप कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशियंट होगी।
स्पेशल क्लासेस का टाइम, स्पेशल क्लास का कल का टाइम है 10 से 11, और इसका जो लिंक है वो भी हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको एक बार फिर से शेयर कर दे रही हूँ, ताकि आप यहाँ पे आराम से जुड़ जाया करो और आपको जो क्लासेस है वो मिल जाया करें। सम्राट चौहान, मैंने आपको यही बताया कि जो क्लासेस हैं वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ इंग्लिश में होगा या सिर्फ हिंदी में होगा, ठीक है। ऑल सेट, टेस्ट सीरीज के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए पर्टिकुलरली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे एक मेल ड्रॉप कर देना, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी, krithi.singh@wifistudy.com पे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह, कितने बजे, सुबह 7 से 8, प्लीज अब की टाइम मत भूल जाना, पता चला 8 बजे आके पूछोगे कि मैम पढ़ाएंगी कब, ऐसा मत करना। तो ये था क्लासेस के शेड्यूल के बारे में, जो फ्री क्लासेस चल रही है, जो स्पेशल क्लास चल रही है उसका कल का टाइम है 10 से 11 बजे सुबह का, और इसका जो लिंक है वो हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का नाम क्या है, करंट अफेयर्स बाय कृति, देख के जुड़िएगा क्योंकि काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स भी बने हुए हैं, ठीक है। चले तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7 से 8 बजे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड एंजॉय योर वीकेंड, लेकिन घर पर रहिएगा। बाय बाय, ठीक।